नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यम्मी कढ़ी। कढ़ी पकौड़ा तो सबको पसंद आता है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये कढ़ी हम किस तरह से बनाए हैं और इसमें क्या क्या डाले हैं। और इतना यम्मी कढ़ी बना है कि आप इसे बनाए बिना बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो आज हम बनाए थे समोसा, और जो समोसा का मसाला बच गया था हम उसी से पकौड़ा बनाए हैं। तो दोस्तों, ये कढ़ी पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यम्मी बना है। तो हम जिस तरह बनाए हैं आपको वो हम दिखा रहे हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा, बहुत ही यम्मी है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो समोसा का मसाला बचा हुआ था उसी को हम यहाँ पे गोल गोल कोफ्ता जैसा शेप दे दिए हैं। अब इसमें हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी समोसा में मेहनत हो चुका है। तो यहाँ पे हमें चाहिए बेसन इसका घोल तैयार करने के लिए, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें और क्या चाहिए। तो यहाँ पे हम पकौड़ा छानने के लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम ग्रीन चटनी भी तैयार किए हैं जो कि हम पकौड़े में मिलाएंगे। ये धनिया और धनिया मिर्च अदरक का चटनी है। यहाँ पे हम कढ़ी में डालने के लिए नींबू लिए हैं, दो लौंग, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, हम हींग लिए हैं, पंचफोरन लिए हैं, गरम मसाला, नमक, घर का बनाया हुआ चाट मसाला है, काला नमक, जीरा है, हल्दी है, और लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, थोड़ा सा सब्जी मसाला लिए हैं कढ़ी में डालने के लिए। और इसी मसाले में हम घोल में भी डालेंगे। यहाँ पे हम लिए हैं कढ़ी में डालने के लिए दही। तो यहाँ पे हम पकौड़ा छानने के लिए दो बड़े चम्मच बेसन ले लेते हैं घोल तैयार करने के लिए, और इधर हम कढ़ी के लिए भी 3 से 4 चम्मच बेसन ले लेते हैं, और एक ही साथ दोनों का रेडी कर रहे हैं। इधर इसमें हम डालेंगे हींग पकौड़ा के लिए, नमक, इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, इसमें हम काला नमक, जीरा डाल देते हैं, थोड़ा हल्दी डाल देते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल के, और बस इससे हम घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पकौड़ा बनाने के लिए घोल तैयार करते हैं। इसमें हम 1 चम्मच ग्रीन चटनी भी डाले हैं, और बहुत ही अच्छा घोल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे पकौड़े का घोल रेडी हो गया। तो अब हम कढ़ी का भी घोल रेडी कर लेते हैं। इसमें हम 1 कप के करीब दही डाले हैं, और इसमें पानी डाल के घोल को बहुत ही अच्छे से रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ इस घोल को बहुत ही अच्छे से मिलाना है क्योंकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रह जाए। और यहाँ पे हम बराबर 1 कप दही का इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है, और हम धीरे धीरे इसमें सारा पकौड़ा को डाल देते हैं, और अच्छे से डीप फ्राई करके इसे निकाल लेते हैं। इस पकौड़े को आप ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही गोल्डन पकौड़ा रेडी हो चुका है। इस पकौड़े को आप ऐसे भी खा सकते हैं, और कढ़ी में जाएगा तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ पे पकौड़े को हम निकाल लेते हैं, और इसी में हम जो पकौड़े का घोल बचा है उसी का छोटा छोटा नॉर्मल ऐसे डाल देंगे। हम लोग यहाँ बरी बोलते हैं, तो ये बरी भी हम कढ़ी के अंदर डालेंगे, तो बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनेगा। तो यहाँ जो हम बाद में बरी डाले हैं वो भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा गोल्डन हो गया, इसे भी निकाल लेते हैं। तो आइए अब हम कढ़ी बना लेते हैं। यहाँ पे हम 1 बड़े चम्मच तेल डाले हैं, इसमें हम डाले हैं पंचफोरन। पंचफोरन हल्का सा चटक गया, इसमें हम कड़ी पत्ता, तेज पत्ता डाल देंगे, दो लौंग और हींग, गरम मसाला, हल्दी,
लाल मिर्च पाउडर, इसे अच्छे से चलाने के बाद इसमें हम जो कढ़ी का घोल रखे थे वो भी डाल देते हैं। तो कढ़ी को बराबर चलाते रहेंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक, चाट मसाला और इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला भी डालेंगे और काला नमक जीरा। अब यहाँ पे हम नींबू का रस भी डाल दिए हैं, ये आप ज़रूर डालिएगा, नींबू के रस का एक अलग ही स्वाद आता है। और इसे चलाते हुए ही हमें बनाना है, क्योंकि अगर चलाते नहीं रहेंगे तो कढ़ी हमारी फट जाएगी और कढ़ी फट जाती है तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और इसमें एक उबाल आने तक हमें बहुत अच्छे से चलाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ी में बहुत ही अच्छा उबाल आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम जब कढ़ी बहुत ही अच्छा से उबलने लगे तब इसके अंदर हम पकौड़ा डालेंगे। तो यहाँ कढ़ी में बहुत ही अच्छा उबाल आ गया है, अब इसे हम चलाते हुए इसमें अब पकौड़ा हम डालेंगे। तो यहाँ पे हम जो बरी बनाए थे वो भी कढ़ी के अंदर डाले हैं और पकौड़ा भी डाल दिए हैं, और ये पकौड़ा बहुत ही यम्मी लगा इस कढ़ी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल कढ़ी बन के रेडी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में, और आप कढ़ी के साथ रोटी भी खा सकते हैं और चावल भी खा सकते हैं, वैसे चावल कढ़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम दूसरे बर्तन में इसे निकाल लेते हैं कढ़ी को, बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनी है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार और कढ़ी को तड़का देने के लिए सरसों का तेल गरम कर लिए हैं और इसमें हींग, लाल मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर, कड़ी पत्ता, और बस ये तड़का रेडी हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी कढ़ी के साथ एक और तड़का भी दे दिए हैं। तो यहाँ पे कढ़ी में तड़का देने के बाद आप देख सकते हैं कढ़ी बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट रेडी हो गई। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनी है और आप इसे रोटी पराठा पूड़ी किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं, वैसे कढ़ी के साथ चावल बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम कढ़ी चावल और पकौड़ा रेडी है, आप इसके साथ पापड़, कैसा लगा, अगर अचार, चटनी, कुछ भी खा सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों